हाशिए पर ला दिए धोबी समाज में या सरकार? निश्चित रूप से आज धोबी समाज हाशिए पर है। जो मनुवाद के समय जो स्थिति थी हजारों वर्ष पहले, कमोबेश उससे हम ऊपर नहीं आ पाए। आज भी हम सुरक्षा, अपनी आर्थिक विपन्नता, अपनी शैक्षणिक विपन्नता और राजनीतिक विपन्नता के मकर जाल में फंस करके हम घिर गए हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक। आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या आपसे? देखिए, हमारे साथ श्री प्रहलाद रजक जी जो बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं, श्री देवेंद्र प्रसाद रजक जी हैं, श्री बैसंत्री जी हैं, बेल बैसंती, श्री राम विलास जी हैं, श्री आशीष जी हैं। हम सब लोग यहाँ आपको से संवाद करने के लिए बैठे हैं। चूँकि 2 अप्रैल को अखिल भारतीय धोबी महासंघ के बिहार इकाई के माध्यम से हम धोबी अधिकार रैली का आयोजन किए हैं, आखिर इसकी क्यों जरूरत पड़ी? कहते हैं राजनीतिक स्थिति, वर्तमान में प्रशासनिक स्थिति, हमारी शैक्षणिक स्थिति आज बहुत ही बुरी हो गई है। जहां संसद में और विधानसभा में हमारे समाज के 2 और संख्या निश्चित ही रहती थी, विधानसभा में 3 से 5 निश्चित रहती थी, आज शून्यता की ओर जा रही है। तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जिस तरह से अनदेखापन, ये सवाल है। प्रशासनिक, जहां हमारे पदाधिकारी, हमारे कर्मचारी 5% से ज़्यादा होते थे, इस कानूनी दांव पेच में फंस करके और प्रोन्नति में आरक्षण के सवाल को लेकर के हमारी संख्या घटा दी गई है 3% से 3.5%। उसी तरह से टोला सेवक, जो शिक्षा सेवक के रूप में प्रवर्तित हुआ है, जिसकी संख्या 18,000 है पूरे बिहार में, 14,000 हमारे वर्ग के लोग, धोबी समाज के लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। विकास मित्र भी वही काम कर रहा है। तो विकास मित्र को 17,000, शिक्षा सेवक को 9,000। हम किसी को कम नहीं करना चाहते, लेकिन कहना चाहते हैं जब दोनों का काम है तो विकास मित्र और शिक्षा सेवक का समतुल्य मानदेय क्यों नहीं हो? क्या इसलिए कि धोबी समाज के लोग हैं? दूसरी तरफ हमारे व्यवसाय जो रोजगार हैं, उस रोजगार का भी अतिक्रमण हो गया है। अब बड़े लोग, बड़े पूंजीपति उस व्यवसाय को चला रहे, हम मजदूर के मजदूर रह गए। तो सरकार कर्णांकित करे, चाहे सरकारी जो ठेके होते हैं अस्पताल के, चाहे होते हैं आपको रेलवे में, चाहे होते हैं अन्य जगहों पर धुलाई का, वो कर्णांकित करे कि सिर्फ धोबी समाज की जो कोऑपरेटिव संस्था है उसी के द्वारा उनको। श्याम जी, आप सरकार में हैं, किससे आप गुहार लगाएंगे? मैं सरकार भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों से गुहार लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं अपनी बात कहने का काम कर रहा हूँ। आपकी पार्टी तो दलितों और शोषितों की बात, फिर आप कैसे वंचित? मैं कह रहा हूँ कि हर एक राजनीतिक पार्टियों ने, देश के आज़ादी के 75 साल हो गए, हमारे समाज के साथ न्याय करने का काम नहीं किया है। तो आप तो दुखी हैं इस बात को? मैं दुखी नहीं हूँ, अब संघर्ष का है। हम लोग कल परसों जब बात होगी, आप लोग रहेंगे, हम क्या बोलेंगे और लोग क्या बोलेंगे आप उसको देखेंगे। लेकिन तो खतरा तो सरकार की होगी ना, क्योंकि आप तो खुद खतरा हमारा है, पहले हमारा खतरा, हमारे वर्ग का जो खतरा है। 75 साल से हम शोषण के शिकार हो रहे हैं। अब हमारा नौजवान है, हमारे वर्ग का, वो आक्रोशित हो रहा है। उसके आक्रोश को हम संगठित कर कर करके अगर नहीं करेंगे तो देश को खतरा होगा, राज को खतरा होगा। हम राज को बचाना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि हम राज के हित में ये कर रहे हैं, देश के हित में ये कर रहे हैं। हमारे लिए प्रथम है देश का हित, राज का हित, और राज का हित, देश का हित सन्निहित है हमारे वर्ग का हित। पूरे बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड से लोग आ रहे हैं, और संबोधित करने के लिए हमारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री दसई चौधरी, कमांडो कमल किशोर, सांसद बहराइच श्री कामेश्वर बैठा, और बदमोहन राम जो सांसद थे पलामू के, उसके साथ कई मंत्री, कई MLA, अमित खत्री हमारे यूथ के जो ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं। सांसद
राजग थे राजद के राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने दावा अब जो है वो एक तरह से कहा जाए कि हुंकार भर दिया है। 2 अप्रैल को पटना के मिलर हाई स्कूल में धोबी जो है रैली होने वाली है, जिसमें तमाम जिले के लोग जो है वह मौजूद होंगे। लेकिन बात यहां पे यह है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और सरकार में रहते हुए श्याम राजग अब तक के जिन मांगों को वो उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या बिहार में इसका इंसाफ मिलेगा या नहीं, यह तो समय तय करेगा। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।